हाय, मैं हूँ तुषाबा और आप देख रहे फंडू कंटेंट। साउथ की एक बिग बजट कनाडा फिल्म का ट्रेलर हाल ही में हुआ है रिलीज। ये फिल्म कनाडा फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा बिग बजट फिल्म कहलाई जाती है। मैं बात कर रही हूँ KGF पिक्चर के बारे में। KGF का फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड। ये पिक्चर का ट्रेलर कुछ 2 मिनट्स 45 सेकंड्स का है और साथ ही साथ KGF पिक्चर एक नहीं बल्कि कई लैंग्वेजेस में डब होने वाली है, जैसे कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी और चाइनीज और जापानीज में भी। तो आप सोच ही सकते हैं, जब एक पिक्चर इतने सारी लैंग्वेजेस में डब होने वाली है तो वो कितने बड़े पैमाने पे बनने वाली होगी। ये पिक्चर को डायरेक्ट किया है और लिखा है प्रशांत नील ने और साथ ही साथ इस पिक्चर को प्रोड्यूस किया है विजय किरण गंदूर ने होम बली फिल्म्स के बैनर के अंदर। तो इस पिक्चर के ट्रेलर से हमें इतना समझ में आया है कि ये पिक्चर बसी है 70s के टाइम के दौरान और साथ ही साथ ये पिक्चर एक सीक्वल बेस्ड फिल्म है, यानी कि इसका दूसरा चैप्टर अभी आना बाकी है। तो इस ट्रेलर की शुरुआत होती है एक बहुत ही बेहतरीन कोट के साथ जिसमें लिखा है द एंडिंग्स टू ऑल द ग्रेट स्टोरीज इज रिटन बाय डेस्टिनी, यानी के हर बड़ी कहानी का अंत पहले से ही किस्मत में लिखा होता है। और फिर इसके बाद ट्रेलर में दिखता है कि एक माता अपने बच्चे को जन्म दे रही है पर उसे बहुत ही ज्यादा परेशानी और तकलीफें हो रही है और साथ ही में एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ आदमी जिन्होंने सफेद कलर का दुपट्टा अपने मुँह पे बांधा हुआ है वो एक दीवार तोड़ रहे है और फिर दोनों सीन्स को इस तरह से कनेक्ट किया है कि यहाँ पर हमारे हीरो यानी कि रॉकी का जन्म होता है और साथ ही साथ दूसरी तरफ कोलार गोल्ड फील्ड्स डिस्कवर हुई जाती है। इस पिक्चर के हीरो यानी कि रॉकी का किरदार निभाया है यश ने और फिर इसके बाद हमें ट्रेलर में ये दिखाई पड़ता है कि कहानी आगे 10 साल बढ़ चुकी है और रॉकी अब 10 साल के हो चुके हैं पर वो अब मुंबई में है। मुंबई की सड़कों पे वो एक जूता चमकाने वाले का काम कर रहे हैं और फिर किसी तरह उन्हें उनकी किस्मत उन्हें गुंडा बना देती है और फिर हमें ये भी पता चलता है कि इस फिल्म के हीरो यानी कि रॉकी का सपना है कि वो दुनिया पे राज करे और यही सपने को पूरे करने के चक्कर में वो किसी राक्षस को हराने के लिए कोलार गोल्ड फील्ड्स की तरफ निकल पड़ते हैं और इसी तरह से उनका रास्ता बदल जाता है। साथ में ये भी पता चलता है कि उनका फैसला कोलार गोल्ड फील्ड्स जाने का उनकी किस्मत भी बदलने वाला है। रॉकी एक मजदूर बनकर कोलार गोल्ड फील्ड्स में घुसते हैं पर वो अकेले नहीं होते हैं, उनके साथ कई लाखों लोग होते हैं और हमें ये भी दिखाई पड़ता है कि कोलार गोल्ड फील्ड्स की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। लोग काफी तकलीफ में हैं और मजदूरों पे बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं और रॉकी इनके मसीहा बनके इन्हें बचाने आए हैं। इस फिल्म के ट्रेलर में हमें फिल्म की हीरोइन यानी के श्रीनिधि शेट्टी की थोड़ी बहुत झलक देखने भी मिल गई पर ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है श्रीनिधि शेट्टी का ज्यादा कुछ काम नहीं है पिक्चर में और उन्हें सिर्फ एक रोमांस का एंगल दिखाने के लिए रखा हो सकता है, क्योंकि पूरे 2 मिनट्स और 45 सेकंड्स के ट्रेलर में हमें श्रीनिधि शेट्टी की झलक सिर्फ 2 ही बार देखने मिली है। और हम आपको बता दें, इस फिल्म में तमन्ना भाटिया भी स्पेशल अपीयरेंस करने वाली है। तमन्ना भाटिया इस पिक्चर में एक आइटम सॉन्ग करने वाली है। ये पिक्चर का ट्रेलर देख के हमें इतना तो समझ में आया है कि ये पिक्चर एडवेंचर और थ्रिलर बेस्ड है और साथ ही साथ ये पिक्चर किस्मत और कार्मा को खूब बढ़ावा देगी। KGF पिक्चर की शूटिंग हाल ही में खत्म हुई थी 15 अगस्त 2018 में और अब ये पिक्चर रिलीज होगी 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को KGF के साथ साथ बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की जीरो पिक्चर भी रिलीज होने वाली है। अब देखना ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी पिक्चर किस पे भारी पड़ेगी। फिल्म में श्रीनिधि शेट्टी और यश के साथ साथ है राम्या कृष्णा, अनंत नाग। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं जितने बड़े पैमाने पे ये पिक्चर बनी है उससे कई ज्यादा गुना पैमाने पे ये पिक्चर हिट हो जाए। आप लोग हमें जरूर बताएं कमेंट्स में कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए और फंडू कंटेंट को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।